हेलो फ्रेंड्स, द डेली न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन और पार्लियामेंट में लाए जाने वाले अन्य पार्लियामेंट्री मोशंस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में एक सांसद ने मणिपुर में जातीय हिंसा पर तत्काल चर्चा की आवश्यकता का हवाला देते हुए लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन या स्थगन प्रस्ताव पेश किया। अगर हम प्रस्ताव या मोशन की बात करें तो यह किसी मामले पर बहस के लिए संसद के किसी सदन के सदस्य द्वारा दिया गया एक औपचारिक प्रस्ताव है। यहाँ पर यह जानना बहुत आवश्यक है कि लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती है। इंडियन पार्लियामेंट में अगर हम मोशंस या प्रस्ताव की बात करें तो भारतीय संसद में बहुत से प्रस्ताव प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आइए एक एक कर कुछ इम्पोर्टेंट प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं। पहला है एडजर्नमेंट मोशन या स्थगन प्रस्ताव। इस प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो यह प्रस्ताव पार्लियामेंट में किसी मेंबर द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि एडजर्नमेंट मोशन पास होने पर सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसे सरकार की कड़ी निंदा माना जाता है। दूसरा है नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव। संविधान के अगर आर्टिकल 75 को हम देखें तो उसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव जो कि केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है का पास होना सरकार के मेजोरिटी खोने को दर्शाता है। इसलिए जब कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अविश्वास प्रस्ताव को अगर हम देखें तो यह वह महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है जो आम तौर पर तब घटित होती है जब यह धारणा बनती है कि सरकार मेजोरिटी के सपोर्ट को खो रही है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट मोशन है वो है क्लोजर मोशन या समापन प्रस्ताव। इस प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो यह प्रस्ताव सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस कम करने के लिए किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि इस प्रस्ताव को सदन में एक्सेप्ट किया जाता है तो बहस तुरंत रोक दी जाती है और मामले पर तुरंत मतदान किया जाता है। क्लोजर मोशन चार प्रकार के होते हैं: साधारण समापन, खंडशह समापन, कंगारू समापन तथा गिलोटीन समापन। अगले प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है सेंसर मोशन या निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो यह प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह किसी स्पेसिफिक पॉलिसी या एक्ट के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए लाया जाता है और इस प्रस्ताव को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट मोशन है प्रिविलेज मोशन या विशेषाधिकार प्रस्ताव। इस प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्य को रोककर या गलत तथ्य देकर सदन या उससे उसके सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना
होता है। इस प्रस्ताव को पार्लियामेंट के दोनों सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रस्ताव है धन्यवाद प्रस्ताव या मोशन ऑफ थैंक्स। इस प्रस्ताव को अगर हम देखें तो प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति के इस संबोधन पर दोनों सदनों में चर्चा होती है। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। यह प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर सकती है। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में इतना ही। आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट इश्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।